हाँ जी, मैं आटा लेने के लिए घर से निकली थी और अब मैं घर जा रही हूँ और मेरे दिमाग में एक प्रैंक है। मैं सोच रही हूँ ताने पे एक प्रैंक करूँ कि थोड़ा बहुत मुझे सर पे चोट वोट लग गई। ज्यादा सीरियस नहीं करूंगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं डराना चाहती, बस थोड़ा सा शॉक देना चाहती हूँ उसको, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होता है घर पे। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा प्रैंक करूँ, केमिस्ट की शॉप ढूंढती हूँ, उसके पास जाके एक बैंडेज वैंडेज लगा के ना थोड़ा सा ड्रामा करूंगी। होपफुली मैं कर पाऊँ। अभी बस नीचे ही आई थी, मैंने कहा आटा वाटा लेके घर ही जाना है तो थोड़ा बहुत ये सब तो कर ही सकते हैं। तो आई थिंक मैं उसे फोन करके नीचे बुलाऊंगी, क्योंकि घर पे जाऊंगी तो कैमरा में सेट कर नहीं पाऊंगी, कैमरा में गाड़ी में ही सेट कर लूंगी और फिर थोड़े से ड्रामे करूंगी। तो चलो केमिस्ट के पास चलते हैं। प्रैंक करते हुए पता नहीं इतना डर क्यों लगता है, जैसे पता नहीं कौन सी चोरी कर रहे हैं। बस ये केमिस्ट के पास जा रही हूँ। भैया बैंडेज है, बैंडेज होती है जो पट्टी होती है, क्या बोलते हैं उसे, पट्टी और वो कॉटन और डिटॉल दे देना। तो ले लिया है मैंने, दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। कैमरा सेट कर देती हूँ, ब्राइटनेस ठीक है, कैमरा सेट कर दिया है। अब मैं दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ। कुछ भी नहीं था क्योंकि मेरे पास अभी कॉटन लिए ये बैंडेज पट्टियाँ जो भी कहते हैं, और मैंने सोचा मैं केमिस्ट की शॉप पे हूँ तो मैं इनो भी ले लूँ, ये चाहिए था, इसके सैशेस और ये डिटॉल और बैंडेड्स, ये मैंने अपने लिए लिया बाद में प्रैंक के लिए। मेरे पास बस मुझे ये तीन चीज़ें चाहिए थी। जल्दी से पट्टी कर लेती हूँ और फिर तान्या को कॉल करके नीचे बुलाती हूँ किसी बहाने, क्योंकि कैमरा भी सेट करना है मुझे। चलो कैमरा रियल लगनी चाहिए, इस पे ये सैवलॉन लगा दूंगी ताकि लगे कि चोट लगी है। भाई मेरी नियत बहुत साफ है, भगवान मुझे बख्श लेना। भाई कोई देखेगा तो कहेगा लड़की पागल है। पीछे तक आनी चाहिए ताकि इसे चोट लगे। इसके लिए मेरे पास वो तो है नहीं, कुछ टेप वेप ना मेरे पास, सीजर्स हैं तो इसको पता नहीं मैं काटूंगी कैसे। इस साइड लगाती हूँ बाल थोड़े से हटा के। भाई कोई देखना ले यार, पागल नाम बोले मुझे। एक बार पट्टी लग जाएगी तो लोगों को लगेगा कि चलो यार लगी पड़ी। ओह माय गॉड, अरे यार कितना वियर्ड लग रहा है खुद को देखना ऐसे। बस साइड में या ऐसा ना लगे कि किसी अनपढ़ ने पट्टी करी है, बट कोई नहीं। माय गॉड यार लोग देख रहे हैं सच में। एक बार बंद जाए से तब सेट करूंगी। सही है, मुझे काटने की तो जरूरत पड़ी ही नहीं, ये अच्छा हो गया। तो इसमें घुसाऊंगी कहीं पे, गॉड ग्लू आ गया। थोड़ी स्टोरी बिल्ड करनी पड़ेगी, लगी कैसे क्या क्या सब कुछ सोचना पड़ेगा। चलो अब उसे कॉल करती हूँ, उसे नीचे बुलाती हूँ और थोड़ा सा बेचारा सा मुंह बना लूंगी। ठीक है अब कैमरा सेट करती हूँ। यहाँ पे मैंने कैमरा सेट कर दिया ताकि तान्या का भी फेस अच्छे से देखे। एक एक्स्ट्रा बैंडेज दी थी उन्होंने, ये छुपा देती हूँ कहीं, और मैंने ये ना टिश्यू पेपर के पीछे कैमरा सेट किया तो होपफुली व्यू अच्छा है। चलो आती है तो फिर देखते हैं। अरे यार 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 चल रही थी, फिर पता नहीं क्या पेड़ आ गया। बैठ जाओ तुम अंदर। कैसे लग गई है?
अरे मैं चल रही थी, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में पेड़ से टकरा गई मैं। तो यार तेरे को दर्द हो रही है? नहीं, तू तो कौन है? मजाक मत कर यार, ये कोई मजाक का टाइम नहीं। आप मेरे से इतने फ्रैंक क्यों हो रहे हो? तुम पागल है क्या यार? आप हो कौन? आप गाड़ी में कैसे बैठ गए? नन्नू ऐसा मत बोल यार, डरा मत मेरे को। अरे आप ऐसे मुझे टच मत करो, आप हो कौन? यार ऐसे मत कर निष्ठा, ऐसे मत कर प्लीज। आप ऐसे मत करो, मैं नहीं जानती आपको, आप प्लीज यहाँ से निकलिए। मैं घर जा रही हूँ, मेरे को कुछ काम था, मैं बाहर आई थी। आप पता नहीं मेरी गाड़ी में कैसे बैठ गए। तूने पट्टी किससे कराई है ये? आप रो क्यों रहे हैं? अब ये किससे कराई है? ऐसे मत बोल यार, मुझे बुरा लग रहा है। ऐसे मत बोल। मैं कैसे ना बोलूं, मैं तो सच बोल रही हूँ। ऐसे मत बात कर यार, क्या हुआ है? किसने कैसे हुआ है ये? क्या कैसे हुआ है? ये कैसे हो गया यार? किसी ने किया है? मारा है क्या? किसी ने मारा है? क्या हुआ? मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूँ, आप कैसे बात कर रहे हैं मेरे से? तो मजाक मत कर मेरे साथ, ये चीजें मजाक की नहीं है। मजाक? आप प्लीज उतरिए यार, आप उतरिए, मेरे को वैसे भी लेट हो रहा है। उतरिए। कैसे बात कर रही है ये? पहले ये था कि हुआ कैसे? किस पट्टी ना किसने करी है? ढंग से जगह से कराई है पट्टी? ऐसी लग रही है मेरे को तो। बहुत तेज ज्यादा चोट लगी हुई है। ऐसा कुछ नहीं, दर्द हो रहा है तेरे को? कहाँ लगी? कहाँ लगी ये? पहले ना किसी क्लिनिक पे चलते हैं। क्लिनिक पे तू गाड़ी गाड़ी थोड़ी ना चलाएगी, ऊबर करते हैं हम। गाड़ी रोक दे। नहीं, ऊबर करके जाएंगे। तू आ गई? अरे मैं तब से तेरा वेट कर रही थी। क्या कर रही है तू? तू आ गई, कब आई तू? पता ही नहीं चला, चल घर चलते हैं। बहन रुक जा, रुक जा, क्या कर रही है ये? क्या क्या कर रही है? घर चलते हैं। मैं आप बाहर निकले तो जिम नहीं जाना? मजाक कर रही है मेरे साथ? ये लगी कि लगी कैसे जिम जाने? क्या बोल रही, पागल हो गई क्या? ये पट्टी कैसे लग गई? क्या कर रही है? क्या हो गया? ये मजाक ही कर रही है ना। मजाक क्या, जिम नहीं जाना? ऐसे जिम जाएगी तू? जिम जाएंगे यार, हर दिन छुट्टी हो जाती है। बहन तू देख, ऐसे जिम जाएगी? तो लगी कैसे यार, समझ नहीं आ रहा। पता नहीं क्या, हटाऊंगी घर चल के हटाऊंगी। चले बहन, पागल हो गई। ऊबर कर रही हूँ मैं, क्लिनिक पे जाएंगे हम पहले। ऊबर क्या कर रही है? गाड़ी चला सकती हूँ। ये लगी कैसे है अभी तक मैं समझ नहीं पाई, ये हुआ कैसे है? पता नहीं, शायद टकरा गई होंगी पेड़ वेड़ से। कैसे हुआ पता गाड़ी में तो कुछ निशान नहीं लग रहा मुझे। पता नहीं कैसे हुआ तो कैसी बातें कर रही है? तेरे को पता ही नहीं कैसे लग गई? तू पागल तो नहीं हो गई है? तू कैसी बातें कर रही है यार? तू रो क्यों रही है वैसे? तू मजाक कर रही है क्या? मजाक? क्लिनिक चलते हैं यार, छोड़े सब। पास में कौन सा क्लिनिक पड़ता है? हम है कहाँ अभी यार? तू कैसी बात कर रही है? नहीं, हम किधर हैं अभी? अपने घर के नीचे। पर मैं तो पहले ऊपर चल, मैं ऊपर चल के ऊबर करते हैं। पहले ऊपर चला जाओ, ऊपर चल रही हूँ। आप निकलिए यहाँ से, आप कहाँ ले जाएंगे मुझे? तू पागल तो नहीं हो गई? मैं अपने घर जा रही हूँ, आप अपने घर जाइए। तमाम में एक साथ ही तो रहते हैं। चल यार पहले रुक। यार क्या हो रहा है यार? क्या हुआ, तू ऐसे क्यों कर रही है? तू मेरा हाथ मत पकड़ी यार प्लीज। ऐसे क्यों बोल रही है? मैं आपको नहीं जानती, आप मजाक कर रही है ना यार? ये मजाक मत कर, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मैं तो तुम पे हंस रही हूँ कि मतलब इतना कैसे तुम किसी के साथ? नन्नू ऐसा मत कर यार, तू मजाक कर रही है ना? मजाक? फिर मजाक कर रही हूँ? मैंने किया क्या है? मैं तो चुपचाप बैठी हूँ यहाँ पे। तुझे ज्यादा दर्द हो रही है इधर? नहीं, तू पहले यार क्लिनिक पर चल यार, मैं ऑटो देख कर आ रही हूँ घर से। भाई मुझे बहुत बुरा लग रहा है सच्ची में, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए इसको देख के। आई डोंट सपोर्ट दीज प्रैंक्स एट ऑल। आई थिंक मैं बता दूंगी, आई कांट डू इट।
मुझे नहीं अच्छा लगता यार ये सब, वैसे ही मुझे डर लगता है। नाउ आई एम रिपेंटिंग मैंने ये क्यों किया, वो ऑटो देने चली गई, आई कांट टेक दिस एनी मोर। क्योंकि मुझे ना लिटरली बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं ऐसे हम इजिली इतने रोते नहीं हैं, और वो एकदम से देख के घबरा गई। आ गई आ गई, आई थिंक आई वोंट डू इट एनी मोर। अब फिर आ गए, फिर ऐसे मत कर यार, ये बैटरी वाले हैं, बैटरी पे चले। कहाँ जाना, कहाँ है आपको, मैं छोड़ देती हूँ, बताओ कहाँ जाना है। क्लिनिक छोड़ दे मेरे को किसी के, दिमागी से संतुलन हिला पड़ा है। हाँ थोड़ा मेरे को क्लिनिक छोड़ दे तू पहले, तू तू मत छोड़, मैं उबर ही देखूंगी, उबर मिल भी तो नहीं रही। कोई क्लिनिक का नाम बताइयो, कहाँ पे है हम, कैसी बातें कर रही है, अपने घर के नीचे है हम। पर ये कौन सी जगह है, आप प्लीज उतरिए, आप उतरिए यहाँ से। मैं नहीं उतरूंगी, मैं तेरी बहन हूँ यार, कैसी बातें कर रही है, मजाक कर रही है ना। नहीं मजाक कर रही है, मजाक कर रही है मजाक कर रही है ना, मजाक कर रही है ना तो ये लगी है नहीं लगी, ये सब ड्रामा है यार, कुछ नहीं लगा इधर। बदतमीज है ना तू, तूने मजाक किया है, ये आंटी जी आ रही इनके सामने नहीं उतार रही, और कहेंगे कितनी बदतमीज लड़की है। तेरी को मजाक करने की चीज है वैसे, यार मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना इंटेंस हो जाएगा, तेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे, और मुझे भी बुरा लगा सच्ची में। तुझे ये मजाक लगता है, ये सच में मजाक है तेरे लिए। नहीं मैंने देख तब कितनी जल्दी बता दिया तेरे को, प्रैंक बना रही है मेरे पे। क्या मेरा इज राइट है, किधर टिश्यू पेपर के पीछे अरे हल्का नहीं, वो डिटॉल लगी हुई बहुत ज्यादा लग रही है, एक क्विकली मैंने वो बांध लिया था, मैंने भी देखा मुझे भी धक्का लगा कि और ये इस पे मजाक वजाक मुझे बनाने का कोई शौक नहीं है, तो बस तुझे थोड़ा सा मैं मेरी लॉस का ड्रामा का कोई तरीका वैसे सही नहीं है। अरे नहीं इसकी खुशी है कि चल ये मजाक ही था, बट ये तरीका सही नहीं है, ये मजाक नहीं होते यार, ये मजाक नहीं होते। अरे कोई बात नहीं, मैं नहीं करूंगी, ये मजाक नहीं हो सकते, ये बहुत बदतमीजी है। यही मिल गया आपको करने के लिए, यही मिला। अरे यार मैंने तो सोचा नहीं था इतना ज्यादा वो हो जाएगा, ऐसा फील होगा मेरे को, क्या पता मैं भी देख के हिल गई थी तभी तो मैंने कहा, मेरे को पहचान भी नहीं रही। अरे पागल है क्या, तेरे कैसे पहचान, ड्रामे कर रही थी, पागल है क्या, ऐसा मजाक करेगी मैं जूता उठा के मारूंगी। मार देती तू मैं खा लेती, वरना मैं तेरे को अभी भी चाहिए जूता। चल जिम चले, जिम चले, इसमें कह रही जिम चले, मैं तो कह रही थी जिम चल, सब कुछ याद है, नहीं घर बार भूल गई, जिम जाना याद है। सिलेक्टिव मेमोरी लॉस, चल बंद कर दे वीडियो, हम तो हो ही गए ये वीडियो ना, नेक्स्ट टाइम मैं अगर ऐसा कुछ किया ना मैं लिटरली तेरे को नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं। हां जी दोस्तों, सो हम ये सपोर्ट नहीं करते भाई ऐसे प्रैंक प्रूंक, ये तो बस थोड़ा सा स्वाद लेना था, करते बट मजे लेते हैं खुद की फैमिली से, मजे लेते हैं हम, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये सब करना बहुत ज्यादा गलत है। देखो मेरे खुद के पसीने छूट गए, आंखों में भी नमी आ चुकी है, ये सब अच्छा नहीं लगता है सब करना, तभी मैंने बड़ी क्विकली बता दिया, और मैं बहुत ही अच्छी उसमें थी हालत में, कुछ ऐसा नहीं था ड्राइव करने की हालत में, तो मुझे लगा था बस थोड़ा सा डरेगी, बट इसको मैंने आंसू देखे तो मैंने कहा अगर ये मुझ पे हुआ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता, तो ये कभी भी नहीं करना। मजाक मजूक तो ठीक है कि हाँ एक्स के पास चली गई, ये हो गया वो हो गया, ये सब सही है, शी गोना टेक सम टाइम। तो हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अब नेक्स्ट टाइम नहीं होने दे चाहिए ऐसा कुछ। ताने के पसीने देखो भाई ऐसे कर, अरे मेरी हालत खट खट ऐसे हो गई, मैं क्या करूं हेल्पलेस एकदम, समझ नहीं आया क्या कैसे करूं, पसीने आ गए भाई सही में। ओके वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देंगे, हम मिलेंगे आपसे बेहतरीन अमेजिंग नए वीडियो में, आप प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो शेयर करो, एंड तारा सी यू भाई, तो बोल दे bye।
अरे यार